हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी हाउ टू रिप्रेजेंट एन इनक्वालिटी यूजिंग अ ग्राफ। अब इसमें है कि आपको कोई भी इनक्वालिटी जो दी गई है उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए एक एग्जांपल, हमारे पास ये एक इनक्वालिटी दी गई है, आपने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। जब भी किसी भी इनक्वालिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ फॉर इक्वालिटी, यानी कि उसके बीच में इज इक्वल टू का साइन लेके उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जो कि आप 10th क्लास में करके आए हैं। तो क्या किया, वाई को इधर इकट्ठा कर लिया राइट साइड में, तो ये क्वेश्चन आपकी ऐसे बन गई। अब इसके पॉइंट्स निकाल लो। पॉइंट्स निकालने के कई तरीके होते हैं। इजी वे होता है कि पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स को जीरो पुट किया तो माइनस वाई इज इक्वल टू एट आ गया, तो वाई की वैल्यू बन गई माइनस एट। तो एक्स जीरो है, वाई माइनस एट है, तो पॉइंट बन गया जीरो माइनस एट, इसको बोलेंगे ए पॉइंट। फिर इसके बाद आप वाई को जीरो पुट कीजिए यहाँ पे। जब वाई को जीरो पुट करोगे तो टू एक्स इज इक्वल टू एट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू होगी बेटा आपके पास फोर। तो जब भी पॉइंट लिखना होता है पहले एक्स को लिखना होता है बाद में वाई को, तो ये मेरे पास फोर कोमा जीरो आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो आपको पता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव इधर होते हैं, नेगेटिव इधर होते हैं, वाई के पॉजिटिव ऊपर, वाई के नेगेटिव नीचे। जीरो माइनस एट, तो यहाँ पे पॉइंट ए है और 4,0 एक्स पे होएगा यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ दो, ये आपकी लाइन बन गई। थिक लाइन लगानी है आपने, डार्क, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे इक्वल टू का साइन है तो आपको थिक लाइन लगानी होती है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन लगानी है, ओके। अब आपने ये तो इक्वल टू का ग्राफ बना है, अब आपने शेडिंग करनी है। शेडिंग करने का क्या तरीका होता है, जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें पुट 0,0 करना है, पुट 0,0 इन गिवन इक्वेशन जो शुरू में दी गई है। अब शुरू में इक्वेशन थी मेरे पास y प्लस एट ग्रेटर देन 2x, इसमें जीरो पुट किया y और x को, ये आपका 8 इज ग्रेटर देन 0, इट इज ट्रू। अगर आपका ट्रू आए तो आपने क्या करना है, जो वो कर्व है उसकी जो शेडिंग है, ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, उसकी ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर देनी है ऐसे पेंसिल से। तो इट रिप्रेजेंट दिस इनक्वालिटी रीजन, ओके। अगर आपका फॉल्स आता तो आपने नीचे को शेड करना था। ट्रू में टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करते हैं, फॉल्स में अवे द ओरिजिन करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, 3y-5x<30>। जैसे कि मैंने बताया, जब भी इनक्वालिटी का ग्राफ बनाना है पहले उसमें इज इक्वल टू का साइन लेकर उसको सॉल्व कीजिए। पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका बेटा, एक्स को जीरो पुट करो, वाई की वैल्यू 10 आ गई, पॉइंट हो गया 0,10, इसको ए बोल दीजिए। फिर आप वाई को जीरो पुट कीजिए, वहां से एक्स की वैल्यू -6 आ गई, एक्स को आगे रख के पॉइंट आ गया -6,0। तो दो पॉइंट्स आपके पास बन गए, पहला पॉइंट है 0,10, एक्स 0 वाई 10, तो यहाँ पे ए 10 लगाया हुआ, पहले ही मैंने रखा हुआ बना के ए। सेकंड पॉइंट है बी -6,0, एक्स को -6 पे लोकेट किया यहाँ पे, क्योंकि वाई 0 है तो बी आ गया। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो पहले आपने थिक लाइन लगानी है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का जो साइन नहीं दिया हुआ, तो ये जो मैंने थिक लाइन लगाई है आपने पेंसिल, इसको डॉटेड में कर लो आप, डॉटेड, ठीक है। पेंसिल से बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, डॉटेड लाइन होगी, यानी कि पूरा एरिया नहीं है इक्वल टू वाला। अब इसका शेडिंग करने का तरीका मैंने बताया आपको, उसमें 0,0 पुट करना है, तो पुट 0,0 इन गिवन इक्वेशन, 0-0<30>, तो ये आपका आ गया ट्रू। अगर ट्रू आता है तो जहां पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा, 0,0 पॉइंट, ये वाला ऊपर ओरिजिन हमारा यहाँ आता तो ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे हमारा ओरिजिन नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ शेड कर जाएगी इक्वेशन, दिस इज द शेडेड पोर्शन, ओके। ये हमने सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखी है अभी यहाँ पे। अब देखो आगे क्वेश्चन लीजिए, इसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस ले ली मैंने। जब भी तीन इक्वेशन हो, चार इक्वेशन हो, तो आप उनको तीन अलग अलग हिस्सों में पेज को बांट लीजिए। पहले इक्वेशन लिख लो, सेकेंड इक्वेशन लिख लो, थर्ड इक्वेशन लिख लो। पहले आपने पहली इक्वेशन को पकड़ना है और उसके दो पॉइंट्स निकालने। एक्स को जीरो पुट किया जी, एक्स को जीरो पुट किया, वाई कितना आया आपका 4y = 40, वाई की वैल्यू होगी 10, ओके। इसको एक्स को जीरो, वाई को 10, इसको ए पॉइंट मान लिया गया। फिर आपने इसको में वाई को जीरो पुट किया, 5x = 40, x 8 आ गया, ये दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया। अब इसका रीजन निकालना है, शेड करना है। शेड करने के लिए 0,0 को पुट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, इस वाली में,
उसमें पुट किया 0 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो 0 <0 <40 आ गया, विच इज ट्रू। ट्रू का मतलब है शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, फॉल्स का मतलब शेड अवे द ओरिजिन। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं डायग्राम बना के दिखाने लगा हूं। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो पहले आपके पॉइंट क्या आए हैं भाई, 0 10 8 0, तो पॉजिटिव भी ऐसे 2 4 6 8, दो दो के पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लो 2 4 6 8 10। पहला पॉइंट है मेरा 0 10, एक्स 0 है वाई 10 है, यानी कि ये ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है एक्स 8 है वाई 0 है, तो ये बी पॉइंट हो गया। पहले आपने एक इक्वेशन के पॉइंट्स लगाने हैं, जब एक इक्वेशन के पॉइंट्स लग गए तो आप उनको जोड़ दीजिए ताकि एक क्वेश्चन का आपका ग्राफ बन के आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो थिक लाइन रखनी है। ओके, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप इसको डॉटेड कर दो, ऊपर हल्का का डॉट्स लगा दो इसके, ताकि डॉटेड लाइन शो हो जाए। अब इसका ट्रू आ रहा है, इट मीन इसका जो रीजन है शेडिंग है टुवर्ड्स द ओरिजिन, साथ में इसकी ओरिजिन लगा लो। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एरो लगाया, अभी शेड नहीं किया, क्योंकि अगर ज़्यादा इक्वेशंस हो तो सभी इक्वेशंस को लेके एंड में शेड करना है। अब अगली लाइन देखो, x ग्रेटर देन 2 है, इसको x इज इक्वल टू 2 मान लो। अब यहाँ पे x 2 फिक्स है तो y कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो y को 0 ले लीजिए तो x 2 को मत 0 हो गया, एक ही पॉइंट काम चल जाएगा। ठीक है, x तो 2 फिक्स ही देना है, आप यहाँ पे x इज इक्वल 2 तो फिक्स है, y को 1 भी ले सकते हो, तो पॉइंट आ जाएगा 2 कोमा 1। यानी कि इसमें ड्रॉ करने का तरीका कि जहाँ पे 2 0 पॉइंट है उसको लगा के उसकी लाइन, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, इज इट ओके? अब दूसरे में देखिए, वाई वाले में जब एक्स की अकेली एक्स की वैल्यू है तो उसको नंबर लाइन पे उस पॉइंट को लोकेट कीजिए और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब दूसरा अकेला वाई है, वाई इक्वल टू 3, एक्स को 0 ले लो तो 0 कोमा 3 पॉइंट आ गया। एक्स को 1 भी ले सकते हो, अगर एक्स मान लोगे तो 1 कोमा 3 आएगा। इसका कोई मैटर नहीं करता, इसमें पॉइंट्स मैटर नहीं करते। अगर सिंगल एक्स वाई की वैल्यू, तो सिंपल तरीका, बेशक पॉइंट मत निकालो, ये चीज़ मत करो। आपको एक्स 2 दिया है ना, तो आप एक्स को 2 रख के वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे वाई को 3 दिया है, वाई 3 मेरा कहाँ पे होएगा, ये वाई एक्स है तो यहाँ पे 3 है, तो इसका परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दो, वाई एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, अब ये दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसका रीजन देखना, एक्स ग्रेटर देन 2, क्या तरीका बताया मैंने, पुट 0 0, तो जब 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन 2, 0 से 2 से बड़ा होता है, 0 क्या 2 से बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो ए लाइन है एक्स इज इक्वल टू 2, इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन करनी है। अब देखो, ये हमारी एक्स इज इक्वल टू लाइन थी, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन चलेगी इसकी शेडिंग। ठीक है, अब थर्ड लाइन है मेरी वाई इज इक्वल टू 3, इसकी चेकिंग करेंगे रीजन की। जब आपको रीजन या शेड करना है, जब एरो करना है, तो शुरू वाली इक्वेशन में 0 0 पॉइंट पुट करना है एक्स वाई की जगह। 0 3 से बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता, तो ये भी आपकी क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो यानी कि ये जो लाइन है इसका भी फॉल्स कंडीशन है, इसके भी ऊपर चला गया। अगर ट्रू आए, इसका ट्रू आया तो नीचे ओरिजिन नीचे है यहाँ पे, तो नीचे को एरो लगा, इसका फोर्स आया तो अवे उधर को लगाया, इसका फोर्स है तो इसको ऊपर का। अब देखो, 3 एरो लग चुके हैं, ये लाइन कह रही है मैंने नीचे को आना है, ये कहती मैंने इधर को जाना है, ये कहती मैंने ऊपर जाना है। तीनों में कॉमन चीज़ क्या बनेगी, ये देखो, इस लाइन की इधर तक शेडिंग है, इसकी ऊपर को शेडिंग है, और ये कहती मैंने इसके नीचे नीचे आना है, तो ओनली दिस रीजन, तो तीनों का ये हिस्सा कॉमन बना, दैट इज अवर रीजन। तो यानी कि तीनों क्वालिटीज़ का ये सोल्यूशन है भाई हमारा, दिस इज अवर रीजन। समझे मेरी बात? जब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं 3 इक्वेशंस हैं, तो आपको करने के लिए उन तीनों के अलग अलग एरो लगा के जो तीनों का कॉमन हिस्सा बनेगा उसको आपने शेड करना। दोबारा देख लीजिए, ये लाइन बोल रही थी कि मैंने नीचे को जाना है, नीचे को तो सारा आएगा, पर जब यहाँ पे ये लाइन की है वो कहती मैंने ऊपर को जाना है, तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया हमारा। इधर ये लाइन पड़ी है, वो कहती इधर को जाना है, तो ये वाला भी बैकआउट हो गया, ये वाला भी बैकआउट हो गया, नीचे वाला भी, तो ये वाला बच गया सिर्फ। पेंसिल से करके देखोगे तो शेडिंग पता चल जाएगा। ओके, अगली एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, मैंने पहले पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं। अब पॉइंट्स निकालना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके पॉइंट्स नोट कर सकते हो अपने आप।
एक्स को जीरो पुट किया वाई आ गया, वाई को जीरो पुट किया एक्स आ गया, इसके दो पॉइंट आ गए, इसके दो पॉइंट आ गए, इसके दो पॉइंट आ गए, ठीक है। फिर आपने रीजन निकालना है पुट जीरो जीरो ओरिजिनल इक्वेशन, इसमें जीरो जीरो पुट किया, जीरो लेस देन 24 ट्रू आ गया, इसका ओरिजिन की तरफ शेड होएगा, इसका भी ट्रू आ गया, जीरो जीरो पुट करके इसका भी ओरिजिन की तरफ शेड होएगा, इसमें जीरो जीरो पुट किया तो इसका भी ट्रू आ गया। अगर ट्रू आए तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन आपने एरो लगाना है, ये चीज समझाई जा रही है। तो इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखो रफली बना रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है एक्स वाई पहले। अब इसमें क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट्स हैं 24 तक जा रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, दो दो की गैपिंग कर लें या तीन तीन पांच पांच की कर लो, बेशक 5, 10, 15, 20 ये आपके ऊपर जैसे मर्जी बना सकते हो, 5, 10, 15, 20 क्योंकि यहां पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई हुई है, नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो नेगेटिव वाले मैंने पॉइंट्स नहीं लगाए। इसका पॉइंट है 0, 24, x 0, y 24, यानी कि y 24 यहां पे कहीं होएगा आपका, a पॉइंट आ गया, b पॉइंट 12, 0 x 12 है भाई, x 12 यहां पे होएगा इसको b। हमेशा जब ग्राफ बनाना है पहले एक इक्वेशन के पॉइंट लगाओ और उसको जोड़ के लाइन में लगा लो। अब देखो यहां पे इक्वल टू के साइन है तीनों में, तो डार्क लाइन लगानी है आपने, ठीक है जी, पहले का लग गया। और इसकी शेडिंग में जब 0 0 पुट किया था ट्रू आया था, ट्रू का मतलब टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ इसका शेड जाएगा, इसको मैंने कर दिया। सेकंड लाइन, सेकंड पॉइंट में सी 0 11 है, 0 11 यहां पे थोड़ा सा ऊपर होएगा इसके, सी पॉइंट आ गया और नीचे उसका आ गया डी 11 0, एक्स का 11 है वो। अब आपका थोड़ा सा इसके साथ में कहीं यहां पे होएगा, कुछ जगह थोड़ी है तो यहां पे मैं शो कर देता हूं, ये हमारा है डी पॉइंट इसके लिए। तो इन दोनों को जब आप करोगे तो वो यहां से निकल जाएगा, बिल्कुल सेम में से निकलेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि मैंने आप बड़े बड़े पॉइंट लिए तो मेरा सेम चल रहा है। इसका आ रहा है 08, एक्स 08 यहां पे कहीं होएगा आपका डी, और ये 20 0 20 आपका यहां पे होएगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे इसका आपका ऐसे आ जाएगा, तो तीनों का ट्रू है, तीनों के एरो नीचे आ जाएंगे। तो ये जो लाइन आपकी है ये नीचे को ट्रू बोल रही है, इधर को बोल रही है ट्रू, तो ये बीच वाला आपका जो हिस्सा बचा है बस ये तीनों का कॉमन रीजन बन जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन का ट्रू नीचे, इसका भी ट्रू नीचे, इसका भी ट्रू है, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब मैं इसके नीचे भी शेड कर सकता था, मैंने नीचे शेड नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया जब एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो दिया हो, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करना, इस पहले हिस्से में। अगर ये चीज साथ में ना लिखी होती, क्रॉस नहीं होता, तो ये जो आपने शेड किया है इसको पूरा नीचे तक आपने एक्सटेंड करना था। ओके, समझे मेरी बात? तो ये क्वेश्चन आप करके देखिए, इसमें दो एक्सरसाइज कवर की गई हैं। पहले मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं वो सिंगल इनक्वालिटी को शो किया गया रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये अकेली लाइन को, यहां पे डबल लाइन ट्रिपल लाइन को शो किया गया है। तो इसको करोगे तो पता चलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है। पहले सारी एग्जांपल्स ध्यान से समझ के कीजिए, फिर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अभी सिर्फ आपने एग्जांपल करनी है इस वीडियो की। थैंक यू वेरी मच।